कोविड सैंपल संग्रहण में हुई चूक, बीसीएमओ ने जारी किया कार्मिक को नोटिस। उदयपुर जिले के कानोड में चल रही रैंडम सैंपलिंग में शुक्रवार को पहले छात्र तो फिर शिक्षक के पॉजिटिव आने की सूचना से चारों ओर हड़कंप मच गया। हालांकि थोड़ी देर में सैंपल संग्रहण में हुई गलती सामने आई तो इस सूचना को विभाग ने गलत बताया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे नगर में एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल को उदयपुर चिकित्सा विभाग से सूचना दी गई कि उनके विद्यालय का एक छात्र पॉजिटिव है। जब विद्यालय प्रबंधक ने छात्र के बारे में जानकारी ली तो सामने आया उस दिन छात्र के जगह शिक्षक का कोविड जांच नमूना लिया गया था। हालांकि बाद में पुष्टि के लिए फिर से नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं है, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्मिक को नोटिस जारी किया गया। नवभारत समाचार। देखिए, एक टीचर है जो सस्पेक्टेड है, अभी चिकित्सा विभाग के अनुसार तो उनका कंफर्मेशन के बाद रिपोर्ट जो भी आएगी उसके बाद ही कोई कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। बाकी जो सस्पेक्टेड है उनका आज टेस्ट लिया गया है, अगर कंफर्म आते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, बच्चों की जांच हो रही है क्या? बच्चों की सब क्यों रैंडम सैंपलिंग चल रही है, अभी आगे से गवर्नमेंट से जो आदेश है उनके अनुसार हमने रैंडम सैंपलिंग की है। इनमें से उनमें एक टीचर सस्पेक्टेड है सिम्टम वगैरह के हिसाब से, तो उनका आज सैंपल लिया गया कन्फर्म होते हुए। तो ये सूचना कब तक मिल जाएगी वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? ये कल तक के रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो अभी क्या संदिग्ध है? संदिग्ध अभी। अच्छा, कुछ लक्षण लिया, उनका टेस्ट लिया जा रहा है ताकि कन्फर्मेशन के लिए पता चल सके। तो अभी पूरा कन्फर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ, बाकी उनको प्रिवेंटिव थेरेपी वगैरह दी जा रही है और उनका कॉन्टेक्ट हिस्ट्री वगैरह ले ली गई है, अगर कुछ होता है तो हम उसी हिसाब से स्टेप ले रहे हैं। तो पहले रिपोर्ट में पॉजिटिव आया या नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सस्पेक्टेड है तो उनका कन्फर्मेशन।